नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविलाइजेशन में। आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ये है अपना राइजर और ट्रेड। ये क्या कहलाता है, ये कहाँ पे इन दोनों शब्दों का यूज होता है, ठीक है? तो ये इन दोनों शब्दों का यूज अपना होता है स्टेयर में, है ना। इन दोनों शब्दों का, जो ये राइजर और ट्रेड है, इन दोनों शब्दों का यूज अपने स्टेयर में होता है। अब ये जो शब्द हैं, है ना, ये राइजर क्या कहलाता है, ट्रेड क्या कहलाता है, तो अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है क्या, अपना राइजर, है ना, और दूसरी चीज़ हमने लिया है ट्रेड। ये दोनों क्या कहलाते हैं, तो अपन ने लिया है सीढ़ी, है ना, क्या लिया है, सीढ़ी, स्टेयर। तो मान लीजिए कुछ इस फेस में अपनी सीढ़ी जाती है, है ना। ये अपना होता है ग्राउंड लेवल और ये होता है रूफ लेवल, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, ये तो हो गया अपना, ये दोनों अपनी हो जाती हैं लैंडिंग, एक ये और एक ये, ठीक है। अब कंडीशन ये आती है कि सीढ़ी अपनी कुछ इस फेस में रहती है, ठीक है। अब इस कंडीशन में अपन ने जो टॉपिक है, अपना जो टॉपिक है वो है राइजर और ट्रेड। सिर्फ अपन इस वीडियो में ये समझेंगे कि राइजर और ट्रेड क्या कहलाता है, है ना। तो राइजर, ये जो राइजर मतलब ऑलरेडी राइज, मतलब बढ़ना, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अपना हमने वर्टिकल पार्ट इसमें लिया हुआ है, ये जो वर्टिकल पार्ट है ना, ये जो अपना वर्टिकल पार्ट है, ये इस सीढ़ी में सिर्फ, बाकी सब भूल जाइए आप, सिर्फ एक टप्पे को अपन पकड़ते हैं, तो ये जो वर्टिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अपना कहलाता है राइजर, ठीक है। इसको हम आर से भी डिनोट करते हैं, ठीक। इसकी जो हाइट होती है वो डिपेंड करती है, ज्यादा नहीं रहती है, मैक्सिमाइज 150 से 200 mm अपन रखते हैं राइजर की हाइट, ठीक। इसकी जो हाइट रहती है वो ज्यादा से ज्यादा 150 to 200 or 180 mm रखते हैं, है ना, अपने राइजर की हाइट। अब दूसरा शब्द हमने लिया है ट्रेड। ट्रेड क्या कहलाता है, तो ट्रेड कहलाता है जिसपे अपन पैर रखते हैं, मतलब जिसपे अपन पैर रखेंगे वो ट्रेड कहलाता है। इन द सेंस, इस वाले पार्ट पे अपना पैर आता है, है ना, ये जो पार्ट है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला, है ना, वो क्या कहलाता है, ट्रेड। ठीक है, जो अपना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला जो पार्ट है वो अपना राइजर में आ जाता है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है स्टेयर का, टप्पे का, वो अपना ट्रेड कहलाता है। इसको हम टी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका जो शॉर्टकट थंब यूज की जाती है वो अपना टी से डिनोट करते हैं। इसकी जो यहां से यहां तक की जो इसकी डेप्थ होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, तो इसको यूज करते हैं अपन 180 mm to 250 or 300, ठीक है, 250 or 300 एज अ कमर्शियल, है ना, ये इसकी डाइमेंशन, इतना हम यूज इसमें कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अपनी राइजर होती है तो एज अ कंफर्टेबल,
ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें तो ठीक है, अपन को चलने के लिए दिक्कत नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें अपन पैर रख रहे हैं, लेकिन जो अपना पैर उठाना रहता है, तो ये वाली जो हाइट यहाँ पे, यहाँ तक की जो हाइट है वो अपन ज़्यादा नहीं करते हैं, 150 से 200 mm ही रखते हैं, ताकि अपना हम क्या करें, पैर आसानी से, बाकी ये इस वाले पार्ट को हम अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो राइजर और ट्रेड है ना, राइजर क्या कहलाता है, ट्रेड क्या कहलाता है, एज अ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये अपना राइजर है और ये वाला अपना ट्रेड, बाकी ये लैंडिंग है ग्राउंड लेवल का, और ये अपना जो है फ्लोर लेवल का, ठीक है, या रूफ लेवल बोले, उसका क्या है, ये उसकी लैंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, थैंक्स।